जो बिल्डिंग गिरी है उस वहाँ का निरीक्षण करने मोहसिन रजा जी आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से ये हादसा हुआ है? डीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने जीवित निकाला है, तो हमारी प्राथमिकता है कि सरकार की प्राथमिकता है, सभी लोग जिस तरह से प्रशासनिक अमला यहाँ पर काम कर रहा है कि सबको जीवित निकाला जाए, सब जीवित निकलना चाहिए, ये प्राथमिकता है। सर, जिसान हैदर का भी परिवार अंदर बताया जा रहा फंसा हुआ है, सर उसको लेकर क्या कुछ? देखिए, वो हमारे सब बहुत मित्रगण हैं, विरोधी पार्टियों के हो सकते हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि उनके परिवार के लोग सुरक्षित निकल आएँ बाहर। यही हम दुआ ईश्वर से दुआ भी करते हैं। 9 लोग सुरक्षित निकाले जा चुके हैं और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि और लोगों को भी हम सुरक्षित निकाल पाएंगे। अभी किसी तरह की कोई कैजुअलिटी? किसी तरह कोई कैजुअलिटी की बात नहीं अभी। तो ये मोहसिन रजा जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक 9 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। राहत की बात यह है कि अभी किसी भी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में आज एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ पर 5 मंजिला इमारत जो है वो गिर गई है, जिसमें करीब 20 लोगों के फंसे होने की सूचना है। लगातार राहत बचाव का कार्य जो है वो किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, जिला प्रशासन मौके पर मौजूद है, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक मौके पर आकर यहां का जायजा ले चुके हैं। वहीं नगर विकास मंत्री एके शर्मा भी घटना स्थल पर पहुँच कर यहां का जायजा लिया। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन अभी तक जो सूचना मिली है उसमें बताया जा रहा है कि 8 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, उसमें से 3 लोग मृत हो चुके हैं। लेकिन अभी जिस तरह से राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है, उस लिहाज से अभी लोगों की संख्या के बारे में कह पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि कोई भी अधिकारी संबंध में जानकारी नहीं दे रहा है। शायद क्योंकि हादसा इतना बड़ा है, अभी पूरी तरह से जानकारी भी नहीं हो पाई होगी, या फिर क्या वजह रही है इस हादसे को लेकर, अभी यह भी साफ नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि देर शाम जिस तरह से भूकंप के झटके आए थे, उस वजह से ये बिल्डिंग जमींदोज हो गई है। लेकिन अभी जो अधिकारियों की तरफ से अगर बात करें, तो अधिकारियों की तरफ से फिलहाल अभी कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है। लेकिन लगातार एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर जो है वो राहत बचाव का कार्य कर रही है। अब देखना होगा कि कितने लोग अंदर फंसे होते हैं और कितने लोग बाहर निकल कर सामने आते हैं। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।